अरे किस्मत लिखने वाले, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखा? कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल कोरा पेपर देकर भेज दिया। भगवान कहता है कलम उठा, अपनी किस्मत खुद लिख। मैं हाँ तू लिखेगा, अगर मेरे भरोसे बैठा रहेगा तो उस स्टूडेंट की तरह सादी कॉपी जमा करेगा और फेल हो जाएगा। देख क्या रहा है, सोच क्या रहा है, कलम तेरे सामने है, फटाफट उठा और लिख। दुनिया से आने के बाद ये शिकायत मत करना, क्या करूं मुझे नहीं पता था कि इस कॉपी पे कुछ लिखना भी था। देख अब भी तू इस समय अपना समय बर्बाद कर रहा है, आखिर कब तक यूं ही अपना समय बर्बाद करता रहेगा? क्या तुम्हें इस बर्बादी पे अफसोस नहीं होता? या उस विधाता का इंतजार कर रहा है जिसने कॉपी देकर रास्ता दिखाया है, क्या वही लिखेगा? अरे अभी तक सोच रहा है और अपने आप को कोस रहा है, तो कोसता रहा। जब तेरी सादी कॉपी आंसुओं में डूब जाए तो जमा कर देना, लेकिन तेरे आंसू भी तुझे पास नहीं करवाएंगे। अगर ऐसे ही टाप करना होता तो लोग एक आंख से गंगा और दूसरी आंख से जमुना बहाते और टॉप कर जाते। एक ही रास्ता है, या तो तू लिखेगा या आंसुओं से सनी कॉपी जमा करेगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कब लिखेगा? जब बुढ़ापे में तेरे हाथ पांव कमजोर व जर्जर हो जाएंगे, या उस समय जब चार कंधे पर लोग तुम्हें शमशान ले जा रहे होंगे? पर अफसोस, तू उस समय कुछ भी नहीं लिख पाएगा, क्योंकि तेरी कॉपी जमा हो चुकी होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।